तो दोस्तों इस बार वीकेंड के वार पर किसकी एंट्री हो रही है, और यही नहीं बल्कि ये एंट्री ज़रूरी क्यों है, और इस एंट्री का सलमान खान से कितना कनेक्शन है, और इनकी एंट्री बिग बॉस OTT3 में हो रही है, OTT2 से इनका कोई कनेक्शन भी है, बात करेंगे आगे और बताएंगे कि कौन आ रहा है इस बार वीकेंड के वार पर। सरप्राइज़ है ये सबसे बड़ा। पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि वीकेंड का वार आज जो होने वाला था वो तो ऑलमोस्ट कैंसल हो गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब वीकेंड का वार संडे को होगा, सिर्फ एक ही दिन इस हफ्ते का वीकेंड का वार आएगा, वरना तो सैटरडे और संडे वीकेंड का वार होता है। और जब सलमान खान होस्ट कर रहे थे बिग बॉस OTT सीजन 2 तो ये हुआ था कि भाई फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड का वार होगा, संडे नॉर्मल एपिसोड आएगा। बट हाल फिलहाल आपको बताऊं तो बिग बॉस मतलब प्रमोशन का अड्डा, और ऐसा भयंकर प्रमोशन कि भाई मतलब पूछिए मत। और इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है, इस बार बिग बॉस के घर में जो है कुछ गेस्ट आने वाले हैं, जैसे कि राघव जुयाल, लक्ष्य ललवानी और उन्हीं के साथ साथ रफ्तार, जिसमें से राघव और लक्ष्य जो हैं वो अपनी फिल्म किल का प्रमोशन करने के लिए आने वाले हैं, और रफ्तार जो है वो उनकी नई सॉन्ग मोरनी का प्रमोशन करने के लिए आने वाले हैं। अब आप पूछेंगे किसका सलमान खान से कनेक्शन है, तो आपको बताऊं सलमान खान से कनेक्शन है बिग बॉस OTT सीजन 2 से कनेक्शन है रफ्तार का। रफ्तार ने इसके पहले जो बिग बॉस OTT सीजन 2 आया था उसके लिए जो गाना था लगी बची, वो रफ्तार ने ही गाया था और लिखा था, तो रफ्तार का वहाँ से कनेक्शन है। प्लस रफ्तार खुद भी बोलते हैं कि मैं बिग बॉस फ़ैन हूँ, तो देखते हैं भाई रफ्तार किसको अपना फेवरेट बताते हैं और किसके बारे में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।